हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जीवेश यादव। तो आज के क्लास में हम जो है गोविंदा पारिक के तुलनात्मक अध्ययन का 77 नंबर का जो पेज है वो डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की जो क्लास है वो। तो यहाँ पे सबसे पहले पित्त के भेद बताए गए हैं। तो पित्त के कितने भेद हैं? पांच भेद हैं, आपको पता है। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने वात के भेद देखे थे, अभी अपन पित्त के भेद देखेंगे। तो पित्त के पाँच भेद हैं, उनके स्थान और कर्म के विषय में यहाँ पे अपन जानेंगे। जैसे कि पाचक जो पित्त है, पाचक पित्त का स्थान क्या है? तो पक्वाशय मध्यम। ठीक है, आचार्य सुश्रुत थवांग भट्ट ने क्या बोला है? पक्वाशय के मध्य आपका पाचक पित्त का स्थान बताया गया है। इसके अलावा सारंगधर ने क्या बोला है पाचक पित्त का स्थान? तो अग्नाशय को कहा है। ठीक है, तो आचार्य जो सुश्रुत थवांग भट्ट है उन्होंने पक्वाशय के मध्य में मेनली पाचक पित्त का स्थान बताया है। ठीक है, सॉरी, पक्व अमाशय के मध्य में, पक्वाशय और अमाशय के मध्य में आपका क्या है? पाचक पित्त का स्थान बताया है आचार्य सुश्रुत थवांग भट्ट ने, जबकि अग्नाशय में मेल्य सारंगधर ने पाचक पित्त का स्थान बताया है। बात करते हैं इसका कर्म क्या होता है। तो यहाँ पर बोला गया है चतुर्विध अन्न पानम पचति विवेच्यति मुंचति च दोष रस मूत्र पुरुषाणाम। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये बोला गया है पाचन दोषण, मतलब ये क्या करता है? पाचन भी करते हैं, चार प्रकार के जो अन्न हैं, ठीक है, उनका पाचन करते हैं, दोष रस रस मूत्र पुरुष इनको क्या है पृथक भी करते हैं, तथा शेष जो पित्त हैं, शेष पित्तों को स्वस्थान पर बदल देना। ठीक है, स्वस्थान पे बदल देना, ये मेनली इसका कर्म है। मतलब सॉरी, आचार्य जो सुश्रुत है, पहले तो सुश्रुत के अनुसार याद रखना कि पाचन चार प्रकार के चतुर्विध अन्न हैं। ठीक है, यहाँ पे बोला चतुर्विध अन्न जो आसीत खादित पित्त लेड। ठीक है, चार प्रकार के जो अन्न हैं उनका पाचन, पाचन करके जो दोष है उनको अलग करना, रस मूत्र, ठीक है, और पुरीष ये जो है उनको पृथक करना, ये मेनली कर्म होता है पाचक पित्त का। ये किसने बोले हैं? तो आचार्य सुश्रुत ने बोले हैं। जबकि आचार्य जो वांग भट्ट है उन्होंने क्या बोला है? पच्चा अन्नम विभाजते सार किट्टे पृथक तथा। ठीक है, तो इन्होंने भी यही बोला है, आचार्य जो वांग भट्ट है उन्होंने क्या बोला है? जो पच्चे अन्न है, ठीक है, उसका विभाजन करना और जो उसका सार भाग है और किट्ट भाग को पृथक करना। ठीक है, तथा जो शेष आपके पित्त जो है, ठीक है, उनको क्या है स्वस्थान पर बल देना, ये मिलने के है आपका आचार्य वांग भट्ट के अनुसार पाचक जो पित्त है उसका कर्म है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, आचार्य सुश्रुत ने ये बोला है कि मिलने चार प्रकार के अन्न का पाचन करते हैं, दोष रस मूत्र तथा पुरुष का पृथककरण करते हैं, जबकि वांग भट्ट ने क्या बोला है कि मिलने जो शेष पित्तों को स्वस्थान पर बदल देते हैं तथा पच्य मतलब अन्न का पाचन करके जो सार और किट्ट भाग है, ठीक है, उनको पृथक करता है, ये वांग भट्ट ने कहा है। ठीक है, ये पाचक जो आपका पित्त है उसके विषय में हमने यहाँ पे देखा। रंजक पित्त के विषय में बात करते हैं। तो रंजक पित्त का जो स्थान है सारंगधर ने क्या बोले है? तो मिल्ली यकृत प्लीहा आचार्य सुश्रुत बोले हैं और यकृत मिल्ली सारंगधर ने बोले हैं। ठीक है, तो आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने क्या बोला है? यकृत और प्लीहा मिल्ली क्या है? रंजक पित्त का स्थान बताया है। ठीक है, जबकि सारंगधर ने क्या बोला है? यकृत बोले हैं। जबकि वांग भट्ट जी ने क्या बोला है? अमाशय आश्रय पित्तरंजक का रस रंजनाथ। ठीक है, तो अमाशय में आश्रित होता है आपका जो रंजक पित्त है। ठीक है, ये मिल्ली आचार्य वांग भट्ट जी ने बोले हैं। ठीक है, तो अगर सुश्रुत के अनुसार पूछा जाए रंजक पित्त के स्थान पर क्या आएगा? प्लीहा यकृत। ठीक है, यकृत प्लीहा। इसके अलावा सारंगधर के अनुसार पूछा जाए तो सिर्फ यकृत, और आपका वांग भट्ट के अनुसार पूछा जाए तो अमाशय में आश्रित होता है रंजक पित्त, यह वांग भट्ट जी ने बताया है। बात करें इसके कर्म के विषय में, तो रस धातु का रंजन कर रक्त का निर्माण करता है। ठीक है, तो रंजक पित्त क्या करता है, इसका कर्म क्या है? तो ये जो है मिल्ली रस धातु का रंजन करके मिल्ली क्या करता है? रक्त का निर्माण करता है, ये मिल्ली रंजक पित्त का कर्म बताया गया है। देन आगे बढ़ते हैं, तो आगे आपका क्या है? साधक पित्त के विषय में बताया गया। तो साधक जो पित्त है वो उसके स्थान कहाँ पे बताया गया? तो हृदय बताया गया। साधक पित्त के स्थान क्या है? हृदय है। ठीक है, तथा इसके कर्म के विषय हम बात करें तो प्रार्थी मनोअर्थ प्राप्ति, ठीक है, ये आचार्य सुश्रुत ने बोला है। ठीक है, जबकि वांग भट्ट जी ने क्या बोला है? बुद्धि मेधा अभिमान उत्साह तथा प्रसन्नता, ये मिलने के है साधक पित्त का कर्म है। तो बुद्धि, ठीक है, मेधा अभिमान उत्साह प्रसन्नता, ठीक है, साधक पित्त का जो स्थान है वांग भट्ट ने मिलने जो है आपका बताया भी है। ठीक है, बुद्धि मेधा मतलब जो बुद्धि है, ठीक है, मेधा है, अभिमान है, उत्साह, इनको क्या है उत्पन्न करता है जो साधक पित्त है। तो ये आपको याद रखना है। फिर आलोचक पित्त के विषय में बात करते हैं। आलोचक पित्त का जो स्थान है वो नेत्र है। कहाँ है? नेत्र। ठीक है, बात करें यह मेनली क्या काम करता है? तो नेत्र, नेत्र क्या करता है? दर्शन का काम करता है। तो आलोचक पित्त का कार्य क्या हो जाएगा? दर्शन। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपका क्या है? भ्राजक पित्त के विषय में बताया गया है। तो भ्राजक जो पित्त है, ठीक है, भ्राजक जो पित्त है वो कहाँ पे स्थित होता है? त्वचा में। ठीक है, और मेनली त्वचा का प्रकाशन, इसके अलावा प्रभा, ताप नियंत्रण,
करना तथा अभ्यंग परिषेक आलेप आदि का पाचन करना, ये मिल लिखे है भ्राजक पित्त का कर्म है। तो भ्राजक जो होता है वो मिल्ली त्वचा, ठीक है, त्वचा का प्रकाशन करते हैं, प्रभा ताप नियंत्रण करते हैं, अभ्यंग परिषेक आलेप आदि का पाचन करते हैं, ये मिल लिखे है भ्राजक पित्त के विषय में बताए गए हैं। भेल के अनुसार आलोचक पित्त के दो भेद बताए गए हैं। भेल के अनुसार जो है आलोचक पित्त के कितने भेद बताए गए हैं, दो भेद बताए गए हैं। पहला बोला गया है चक्षु वैशेषिक यानी कि चक्षु में, दूसरा बोला गया है बुद्धि वैशेषिक यानी कि श्रृंगाटक में, ठीक है। तो भेल के अनुसार जो आलोचक पित्त है उसके कितने भेद बताए गए हैं, दो भेद बताए गए हैं, ठीक है। पहला क्या बोला गया है चक्षु वैशेषिक यानी कि चक्षु में, और दूसरा क्या है बुद्धि वैशेषिक जो श्रृंगाटक मर्म में होते हैं। फिर आचार्य जो डलहन है उनके अनुसार ओज एवं साधक पित्त एक ही हैं, ठीक है। तो आचार्य जो डलहन है उनके अनुसार क्या है ओज और साधक पित्त दोनों क्या है एक ही हैं आचार्य डलहन के अनुसार। साणंगधर ने पाचक पित्त की मात्रा तिल प्रमाण बताई है और उसका स्थान अग्नाशय को बताया है, ठीक है। तो जो पाचक पित्त है उसका अपन लोगों ने आचार्य साणंगधर के अनुसार पहले ही देख लिया है, स्थान क्या बताया है अग्नाशय को बताया है, और मिल्ली साधक पित्त जो है उसका प्रमाण भी आचार्य साणंगधर ने बताया है कि तिल प्रमाण में मिल्ली जो है साधक पित्त उपस्थित होते हैं, ये आचार्य साणंगधर ने बताया है। पित्त के बाद में अपन जो है वात पित्त आपका हो गया, बात करते हैं कफ के विषय में। तो कफ के भेद भी पांच हैं, आप लोगों को पता है कि क्लेदक, अवलंबक, बोधक, तर्पक और श्लेष्मक। इनके स्थान के विषय में बात करेंगे, साथ ही साथ इनके कर्म के विषय में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जो क्लेदक, क्लेदक कफ का स्थान क्या बताया गया है, अमाशय बताया गया है। ये क्या करता है, तो कर्म बताया गया है कि अन्न का क्लेद करने का काम करता है तथा अन्य कफों की वृद्धि करने का काम करता है। तो जो क्लेदक कफ है वो क्या करते हैं अमाशय में स्थित होता है, ठीक है, अन्न का क्लेदन करता है, वो अन्य जो आपके कफ हैं उनकी वृद्धि करने का काम करते हैं। जबकि जो अवलंबक जो कफ होता है वो कहाँ पे स्थित होता है, तो उरु तथा वक्ष स्थल यानी कि तिक प्रदेश में मिल स्थित होता है। तो अवलंबक क्या कहाँ पे, उरु यानी कि वक्ष स्थल यानी कि तिक प्रदेश में स्थित होता है। इसका कर्म क्या होता है, तो त्रिक संधारण व हृदय का अवलंबन करना। तो त्रिक संधारण व हृदय का अवलंबन करना, ये क्या है अवलंबक जो आपका कफ है उसका कर्म है, त्रिक संधारण व हृदय का अवलंबन करना। फिर बात करते हैं बोधक कफ के विषय में। तो बोधक कफ जो है मिल्ली जो है रसना, इसका मिल्ली जो है स्थान होता है, ठीक है, वांगभट के अनुसार। और क्या करेगा, रसना स्थान है तो रस का बोधन कराएगा, ठीक है, जो टेस्ट है, ठीक है, उसका मिल्ली बोधन कराएगा। फिर तर्पक कफ के विषय में बात करते हैं। तो तर्पक कफ का जो आपका स्थान है वो शिर बताया गया है। तर्पक कफ कहाँ पर स्थित होता है, तो शिर में। इसका मिल्ली जो कार्य होता है कर्म क्या होता है, तो शिर स्थित इंद्रियों का तर्पण करने का काम करता है। तो शिर स्थित इंद्रियों का तर्पण करने का काम कौन करता है, तर्पक कफ। शिर स्थित इंद्रियों का तर्पण कौन करता है, तर्पक कफ। फिर अपन लास्ट बात करते हैं, तो लास्ट आपका क्या बोला गया है श्लेषक। तो श्लेषक कप के विषय में क्या बोला गया है, जो श्लेषक कप होता है वो संधियों में स्थित होते हैं तथा संधि संश्लेषण करते हैं। श्लेषक कप कहाँ पे स्थित होता है, संधियों में स्थित होते हैं तथा संधि संश्लेषण का काम करते हैं। प्रथमता जो है चरक ने वात के तथा सुश्रुत ने पित्त के व वांगभट्ट ने कफ के पाँच पाँच भेदों का नामतः वर्णन किया है, ठीक है। तो प्रथमता जो है चरक ने वात के तथा सुश्रुत ने पित्त के व वांगभट्ट ने कफ के पांच पांच जो भेद हैं उनका नामतः वर्णन किए हैं, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखने हैं। सबसे पहले वो चरक ने वात के पूरक किए हैं, आचार्य जो चरक हैं उन्होंने पूरे वात के पांच भेदों का वर्णन किया है। आचार्य सुश्रुत ने पित्त के पूरे पांच भेदों का वर्णन किया और आचार्य वांगभट्ट ने कफ के पूरे पांच भेदों का वर्णन किया, तो ये चीज़ याद रखना है। फिर उसके बाद में बात करते हैं कफ के पांच भेदों का सर्वप्रथम पृथक पृथक वर्णन अष्टांग हृदय सूत्र स्थान में दोष भेदी अध्याय, जो 12th चैप्टर है सूत्र स्थान का अष्टांग हृदय का दोष भेदी अध्याय उसमें किया गया है। किसके, कफ के पांच भेदों का पृथक पृथक वर्णन, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। वांगभट्ट ने सबसे पहले कफ के पांच भेदों का वर्णन किया है, ठीक है, पित्त के भेदों का सुश्रुत ने और चरक ने वाद के भेदों का, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और कौन से में, तो जो आपका दोष भेदी अध्याय है, ठीक है, उसमें मिल्ली वर्णन किया है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है भाई, इसको याद रखना, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है वो यहीं पे फिनिश होते हैं, और इस नोट्स का पासवर्ड भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो जो सर्वप्रथम जो आपका कफ है उसके पांच भेदों का जो वर्णन है अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान के 12th चैप्टर में किया गया है, ठीक है, तो ये मेरे लिए इस नोट्स का पासवर्ड रहेगा K5AHS12, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है यहीं पर एंड करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे का 78 नंबर का जो पेज है वो देखेंगे। ओके, ठीक है, तो फिर थैंक यू क्लास।